हेलो दोस्तों, देखिए मेरा बोर्ड तैयार हो गया भूत के। अगर आपने नहीं देखा है पिछले वीडियो में जाके मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, बोर्ड कैसे इसको गुथे हैं। अब इसका वायरिंग हम करेंगे, देखिए कैसे वायरिंग किया जाता है। 12 मॉडल बोर्ड का जो मॉडलर है, मेरा नाम है राहुल कुमार। देखिए ये दोनों का फैन का और एक लाइट का इन्वर्टर पे दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से जितना चाहे इन्वर्टर दे सकते हैं और जितना लाइट दे सकते हैं। ऐसे तो फैन और एक लाइट देना अनिवार्य रहता है इन्वर्टर पे। इन्वर्टर पे एक लाइट और फैन बॉक्स फैन दे दिए रेगुलेटर का। देखिए इंडिकेटर भी लाइट पे दे रहे हैं वायरिंग में। फिर एक लाइट का पॉइंट दे रहे हैं लाइन पे। इसको फिर 20 एम्पियर का जो सॉकेट है उसका 20 एम्पियर स्विच दिया है, उसको भी लाइन पे सेट कर रहे हैं। का स्विच है और 20 एम्पियर का सॉकेट है जो कि एंकर का है। बाजार में बहुत ही एंकर का भी चल रहा है, जो भी सामान लगाए एंकर का आप भी लगाइए। देखिए सेट कर रहे हैं स्विच लाइन पे दे रहे हैं 20 एम्पियर का। आप भी 20 एम्पियर का जब भी दीजिए तो इसका लाइन पर ही सेट करें, इन्वर्टर पे ना करें। सभी लाइन को फ्यूज में दे देते हैं, फ्यूज में मेन लाइन आएगा, उससे फिर सप्लाई जाएगा। ऊपर से इसमें मेन लाइन घुस जाएगा और नीचे से पूरे सप्लाई दे देगा। बीस एम्पियर सॉकेट में सप्लाई दे देते हैं 20 एम्पियर स्विच से। बीस एम्पियर सॉकेट को 20 एम्पियर स्विच में दे दिए सप्लाई, मेन लाइन घुसा है, इस ऊपर से सप्लाई जा रहा है। आप भी जब भी करिए तो नीचे मेन घुसाइए और ऊपर से सप्लाई दीजिए। ये हो गया। और ये जो रेगुलेटर है इसका, इस बगल वाले जो इन्वर्टर पे स्विच दिए थे उसमें इसका सेट कर दे रहे हैं। स्विच से इसका सप्लाई हो गया रेगुलेटर का जो कि फैन में है, पंखा का ऑपरेटर है। और ये जो एक तार बचा ऊपर से जो फैन पंखा का आएगा तार, उसमें इसको रेगुलेटर का तार जोड़ देना है। और जो है इंडिकेटर है, ये देखिए इंडिकेटर है, इंडिकेटर में गर्म दे दिया है सप्लाई, यहां से यहां तक चला गया है। और देखिए इसमें ठंडा दे रहे हैं क्योंकि गर्म ठंडा देने के बाद इंडिकेटर में लाइट आएगा। इन्हें का आप गर्म ही दोनों दे दीजिए तो लाइट आएगा।
ठंडा दे दिया इंडिकेटर में, और ये जाए सॉकेट 20 एम्पियर का, इसमें ठंडा देंगे। ये ठंडा इसमें घुसा सकते हैं, लेकिन वो जो मेन लाइन आएगा उसके साथ हम इसको जोड़ के इसमें घुसा देंगे ताकि सप्लाई आ जाए। देखिए 12 मॉडल का वायरिंग मेरा कंप्लीट हो गया है। जो कि इसमें ये सॉकेट है, इसमें गर्म गया, इसमें ठंडा गया, और इसमें बडियर का तार जो होता है मेन आके इसमें घुस जाता है बडियर का, जो कि बडियर वायरिंग में आपका बोर्ड में करंट वरेंट न आने देगा पानी पड़ने के बाद, वो बडियर का तार काम करता है।